आज हमारा विधायक लेजिस्लेटिव पार्टी का मीटिंग हुआ। इस मीटिंग में श्री सुनील शर्मा जी को सर्वसम्मति से लेजिस्लेटिव पार्टी के नाते चुना गया है और श्री देवेंद्र मनियाल और श्री सुरजीत सिंह जी प्रपोजर और सेकेंडर थे और बाकी सब लोग सेकेंड किया है, अधिकृत रूप से सेकेंड किया है। सर्वसम्मति से श्री सुनील शर्मा जी को नेता प्रतिपक्ष सदन के भारतीय जनता पार्टी के लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता के रूप में हम सभी सर्वसम्मति से चुना गया है। मैं उनको अभिनंदन भी करता हूं और सभी पार्टी MLAs को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। ये बहुत सुचारू रूप से सर्वसम्मति से ये प्रक्रिया हुआ है और मैं सभी हमारे MLAs को निवेदन भी करता हूं, एकजुट होके हमारे जो कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन के एक मैंडेट जनता ने दिया है उसके ठीक तरह से हम सबको निभाना है और भारतीय जनता पार्टी को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो हमको मैंडेट मिल रहा है, अभूतपूर्व जो सपोर्ट मिल रहा है, ऐसे ही सपोर्ट और कश्मीर जम्मू कश्मीर में मिला है, आगे भी इस सपोर्ट बेस और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम सब मिलके कोशिश करना है। लोगों का जो समस्या है वो समस्या विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर हमेशा वो समस्या उठाते हुए सरकार के ध्यान में लाते हुए जनता को जो कुछ भी रिलीफ देना है वो रिलीफ देने का काम करे, ऐसे मैं आशा करता हूँ और निवेदन भी करता हूँ। मैं फिर एक बार सुनील शर्मा जी को मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष के और माननीय प्रधानमंत्री जी के दोनों के तरफ से मैं उनको अभिनंदन करता हूँ।